स्वागत है जी आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि जो अपनी गोभी की प्योद है उसको ख़त्म होने से कैसे बचाए। ख़त्म होना मतलब जो गर्मी के अंदर है ना, अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो गर्मी के अंदर ये पौधे ना सूखने शुरू हो जाते भाई, अरसा जाते हैं, जड़ से ख़त्म हो जाते भाई, पौधे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, आपको वो दवाई डालनी है और आपकी जो पनीर है वो ख़त्म होने से बच जाएगी भाई। इस दवाई का जरूर प्रयोग करना। चलो मैं एक बार कैमरा पकड़ के आपको दिखाता हूँ कि कैसे पौधे ख़त्म होने लग रहे हैं, क्या सिचुएशन है भाई पौधों की। तो ये देखो भाई, ये जो पनीरी है ये मेरी 15 से 17 दिन की हो चुकी है भाई, और इसके अंदर ये देखो ये पौधे ख़त्म होने लग रहे हैं भाई। ये मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये जो पौधे ऐसे पौधे ख़त्म होने लग रहे बीच बीच में से भाई बहुत ज़्यादा। और ये देखो भाई, ये देखो ये ऐसे ख़त्म होने लग रहे भाई पौधे। और ये देखो देखो कैसे ख़त्म होने लग रहे हैं, बहुत से मात्रा में देखो प्योद ख़त्म होने लग रही है भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग रही है भाई। तो और ये जो मेरी प्योद है ये शायद एक हफ्ते की हो चुकी है भाई, 7 से 8 दिन की हो चुकी है। इसके अंदर भी भाई यही दिक्कत आने लग रही है भाई, इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो पौधे हैं ये देखो ये ख़त्म होने लग रहे हैं भाई, ये देखो ये वाली दिक्कत आने लग रही है भाई इसके अंदर भी वैसे ही। तो मैं आपको इसकी रोकथाम के लिए दवाई बताता हूँ भाई। एक और ये देखो ये ऐसे पौधे ख़त्म होने लग रहे हैं भाई सभी पौधों में, ये गर्मी के कारण ख़त्म होने लग रहे हैं भाई। इसकी रोकथाम के लिए मैं आपको दवाई बताता हूँ, इसकी रोकथाम के लिए ना भाई आपको गोडिवा के नाम से दवाई आती है भाई, कोई ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, 300 से 350 के बीच में आपको मिल जाएगी। उसकी डोज मैं बताता हूँ, आप ये वीडियो देखो कैसे डालनी है। देखो भाई ये वो दवाई है, गोडिवा सुपर के नाम से आती है, ये देखो 300 से लेकर 350 के बीच में आपको मिल जाएगी ये। और ये जो आपको एक टंकी के अंदर, ये मेरी 18 लीटर की टंकी है, इसके अंदर आपको ये 25 ग्राम डालनी है भाई इसने आपके साथ में 25 ग्राम। अगर आपकी आधी टंकी लगे तो उसके हिसाब से आप जितना पानी लगे आपके डोज घटा लेना भाई उसी हिसाब से। ये देखो मैं डाल देता हूँ, ये मेरे एक टंकी लगेगी तो मैं उसी हिसाब से डाल देता हूँ भाई। ये देखो ये कितनी गाढ़ी दवाई है, देखो गाढ़े टाइप आती है भाई ये दवाई। मैंने एक टंकी लगी 25 ग्राम ले ली है मुझे डाल के, और अब इसको टंकी को पूरा भर लेंगे भाई। तो चलो मैं खेत में मिलता हूँ। ये देखो भाई हम खेत में आ चुके हैं वापिस, ये देखो अब आपको इस प्रकार से दवाई डालनी है एक एक बैठ करके। ये देख लो आप सभी पौधों पर लगनी चाहिए भाई, एक साथ दवाई लगनी चाहिए सभी को ऊपर। एक एक बैठ करके डाल दिया आपको, ऐसे आपको सभी में डाल देने हैं भाई, जितने भी आपके पास प्योद है जितने भी उसके अंदर सभी में डाल देने हैं भाई आपको। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।